तो ये देखें आप, सन 1902 में इन दोनों घरों की नींव रखी गई थी और आज 2022 में लगभग 120 वर्ष हो चुके हैं इन दोनों घरों को। तो किस प्रकार हमारे बुजुर्ग कच्चे मकानों में रहकर हमेशा खुश और स्वस्थ रहते थे, वो आज आपको इस वीडियो में दिखाया और समझाया जाएगा। और ये देखिए, बिल्कुल कच्चे हैं, मिट्टी से बने घर हैं। आप इनको देखोगे तो बस देखते रह जाओगे। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग इस प्रकार ठाठ बाट से रहते थे। तो यहाँ पर ये देखिए आप, इस तरह के जो कमरे होते थे, जो 18 इंच की जो दीवारें होती थी 18 इंच की मोटाई की, और इस तरह से जो खुट्टी की जगह जो इस तरह से लकड़ी की ही कोई लकड़ी का ही कोई टुकड़ा डाल दिया जाता था। और यहाँ पर ये देखिए आप, जो छत है ये देखे, जो बाद में जो इनके ऊपर जो गाटर लगाई गई है, पहले यहाँ पर गाटरों की जगह कड़ियाँ थी, लकड़ी की कड़ियाँ थी। और इस तरह के दरवाजे, ये दरवाजे तो पुराने ही हैं, ये देखिए आप, इस तरह की जो साकल होती थी। और फर्श बिल्कुल कच्चे और बिल्कुल गोबर की महक आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर माता जी से आपको मिलवाएंगे, आपको बताएंगी कि किस तरह से जो इस घर की मेंटेनेंस करते हैं, इस तरह से संभालते हैं। और यहाँ पर माता जी हैं झाड़ू लगाते हुए। ये देखिए आप, पुराने समय का जो पुराना झाड़ू, रोकिए माता जी एक बार दिखाइए। तो ये देखिए आप, बांस का झाड़ू नहीं है, इस तरह से जो कौन से पौधे का झाड़ू है, ये सरकना, इस तरह से सरकने का झाड़ू जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। तो सारी की सारी चीज़ें घर पर ही होती थी, कोई ज़्यादातर सामान बाहर से नहीं लाया जाता था। और जो दूध गर्म किया जाता था इस प्रकार हारों में, तो इस तरह से देखिए आप, यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। और ये देखिए आप, बिल्कुल पुराना चूल्हा है, पुराने हारे हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये पूरी वीडियो देखकर, इस तरह से जो पुरानी अलमारियाँ होती थी कुछ भी सामान रखने के लिए। तो माता जी से जानेंगे कि किस प्रकार ये, और वहाँ पर अंदर भी तो एक और हैं बूढ़ी माई जो चाकी चला रही हैं, गेहूं से आटा निकाल रही हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो हाथ का ही आटा खाया जाता है, हाथ से बनाया गया आटा। और यहाँ पर भी जो फ्रेश हैं, बिल्कुल कच्चे हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी का बिलोना है, ठीक है जी, ठीक है, ये मिट्टी का बिलोना है, इसी में जो घी निकाला जाता है। तो घी की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ही जो बिलवाया जाता है और आरों में गर्म किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो ये चारा कटर, ये जो ग्रास कटर है, अब तो मोटर लगा ली नहीं, तो पहले हाथ का था। इस तरह से आप हैंडल भी देख सकते हो इसके पास। और इस तरह से जो ऊँची ऊँची दीवारें हैं, और यहाँ पर ये देखिए आप, सीढ़ियाँ देखिए आप, पैड़ियाँ देखिए कितनी खड़ी पैड़ियाँ हैं। तो ये देखें आप, तो काफ़ी अच्छा लगा ये घर देखकर। ये देखिए आप, ऊपर हल हैं जो बैलों से जोते जाते थे, अभी भी रखे हुए हैं, हालांकि अभी कोई जोतने वाला नहीं रहा इस परिवार में। तो आजकल की जो पीढ़ी है ट्रैक्टर का सहारा लेती है, लेकिन इस घर में काफ़ी सुकून मिलता है। जो छतें हैं ये भी बिल्कुल कच्ची हैं, ये देखिए आप, जो पानी निकलने के लिए जो पतलान है, पानी निकालने के लिए जो पाइप है यहाँ से, ये भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार सजावट के लिए जो आलिया बनाई जाती थी, इस तरह से जो डिज़ाइन बनाए जाते थे, काफ़ी बेहतरीन लगा। तो यहाँ पर ये देखिए आप, माता जी हैं 70 वर्ष की आयु में भी इस तरह से घर को संभालती हैं, और ऊपर चढ़ जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। और ये ऊपर का नज़ारा है। तो ये गांव जमाल, जिला सिरसा, हरियाणा के अंतर्गत जो ये घर है। और यहाँ पर ये देखिए आप, जो मुल्तानी मिट्टी, वाह जी वाह, मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी है जो पीली मिट्टी, और गाय का गोबर मिट्टी, ये सब मिलाकर ही जो यहाँ पर, जो ये देखिए आप, जो ये स्लेप है ये डाल रखा है, बिल्कुल शाइनिंग देखिए कितनी आ रही है, बिल्कुल मिट्टी के फर्श, मिट्टी की दीवारें, और छत भी बिल्कुल ठंडी रहती है। तो ये गाटर तो बाद में डलवाए गए हैं, क्योंकि दिमक लग गया था यहाँ पर, ये देखिए अभी भी दिमक लगा हुआ है, अभी दिमक लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो पुराने संदूकें हैं, पुराने ठाठ वाट से रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, जो बिलोना ढकने के लिए, जो इसको छिक्का बोला जाता है, ये तो आपने देखा ही होगा आजकल भी, दूध जी दूध भी ढक सकते हैं।
ताकि कोई बिल्ली इसको ना गिरे। ठीक है, भी पुरानी चीज रखा है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो ये स्टोर रूम है, ये पुराना स्टोर रूम है, सब पुरानी चीजें मिलेंगी। ऊपर लैंप मिलेगा, ऊपर मणते है तांगड़। ठीक है, तांगड़ हर बात है। ठीक है, ऊपर मणते है। ठीक है, आपकी आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी है। हाँ, 70 वर्ष हो चुकी। घर किसने बनाया था? यह बनाया जी मेरे ससुरे के बाप ने। आपके ससुरे के बाप ने? हाँ, ससुरे के बाप ने। वाह जी वाह, तीन पीढ़ी हो गई जी घर में। तो चौथी जैसे आपके भी बच्चे बहुत बड़े हो गए होंगे। आपका बच्चा 45 साल को, एक लड़को है। वाह जी वाह, अरे तो लगभग चौथी पीढ़ी। और उसके 45 साल के लड़के का भी लड़का होगा। लड़का लड़की हो रही है 21 22 वर्ष का। वाह जी वाह, तो यानी कि अब पांच पीढ़ी हो चुकी है। पांच पीढ़ी हो चुकी है, छठी पीढ़ी भी आएगी। छठी पीढ़ी आ जाएगी, साल का जो लड़का एक साल बाद ब्याह दिया जाएगा। पोता पोतियां ब्याह करा, 21 साल में पांच पीढ़ी साल जाएगी। वाह जी वाह, एक दो ही साल की बात हो रहा है। तो जैसे आप इसमें कितने दिनों के बाद इसकी लिपाई पुताई करते हो? एक साल से एक बार करते हो? नीचे की लिपाई तो कर लेते हैं महीने बाद में ही। हर महीने कर लिया। अच्छा, ये सुवारा सुवरी फिर 12 महीना एक साल में। हाँ, दीवारों की शुरू होगा। दीपावली के पास दीपावली के पास दीपा दी करा फिर और आइयो और दिखावांगे दीपांग में। जी जी, जरूर जरूर। और यहाँ पर जो नीचे जो फर्श है ये हर महीने कर देते हैं। क्या क्या मिलाते हो इसमें मिट्टी में? गोबर मिलाते हैं, लाल मिट्टी, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का भैंसिया गोबर, और लाल मिट्टी पानी लगा के सफाई लगा देते हैं। लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? लाल मिट्टी लेते हैं, गाड़ी मोल मंगाते हैं बाहर से, खेत में, टिब्बा में, खेता में। जैसे आपकी ये जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो इनके ऊपर आप आराम से चढ़ जाते हो। एक बार चढ़ के दिखाएं। तो ये देखें आप, तो कोई घुटनों के दर्द की कोई शिकायत नहीं, इतनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। 70 वर्ष की आयु में माता जी इस प्रकार आराम से चढ़ जाती हैं। जो इनका जो ढलान है बहुत ज़्यादा है। गर्मियों में ठंड लगती होगी आपको? ठंड लगती है। और सर्दियों में गर्म रहते? सर्दियों में गर्म रहते, एक ही कपड़े में सो जाते हैं। वाह जी वाह, तो ये मजा तो है आपके इस पुराने घर का। गर्मी में पंखा कूलर कौन लगा, बस मकान में सो जाए ठंडा लगे। तो भी जैसे मंदिर गया था पंखा नहीं चल रहा, आपको दिखाना चाहूंगा। कोई पसीना नहीं है ना माता जी को ना मेरे को, बिल्कुल ठंडा वातावरण है, टेम्परेचर डाउन है, बिल्कुल शांति मिलती है। एसी को तो नाम ही कौन के हुआ है? एसी का नाम का ही नहीं पता, कूलर भी नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए आप, दूध दही खाते हैं। चक्की चला कर दिखाएं एक बार बैठे, कितनी देर में कितना आटा निकाल देगी ये जी, बताएं दिखाएं। एक घंटा में जी 2 किलो आटा पीस देते हैं। एक घंटा में 2 किलो आटा? हाँ, 2 किलो कणक का। यानी कि हर रोज चलानी पड़ती होगी आपको? रोज चलानी पड़ती है जी। मोटा आटा काट के भैंसा के देते हैं। अच्छा, मोटा दलिया दल के भैंसा के देते हैं। नाना आटा पीसने की जरूरत होती है, नाना पीस लेते हैं। अच्छा, ये जो छाछ आपका, ये भी पुराने जमाने का? ये पुराने जमाने का, बिल्कुल हल्का है। तो आप अभी भी बना देते हो? ये देखो, ऐसे कर दे। तो इस तरह से जो पुराना छाछ है, पहले गेहूँ की सफाई की जाती है, फिर इस गेहूँ से जो आटा पीसा जाता है। ये देखे आप, जो पुराने जमाने का छाछ है, इस प्रकार सरकंडों के साथ बनाया जाता था। आजकल विभिन्न धातुओं का, सिल्वर का, लोहे का छाछ देखने को मिलेगा। बढ़िया चीज बना के खाते हैं। जी जी, वाह जी वाह। से आपका था जी दाल घोटनी? अच्छा, दाल घोटने के लिए रही है। ठीक है जी, वाह जी वाह। और ये आपका जो लकड़ी का बोइया, इसमें रोटी रखते हो आप? हाँ, रोटी रखते हैं जी, बोइया रोटी रखूंगा बोइया। ये देखिए जी जी, ठीक है। यहाँ पर कोई ज्यादा मॉडर्न हाउस नहीं है, लेकिन जैसा भी है बिल्कुल खुश है। मैंने तो बुढ़ा आदमी अच्छा लगता है, या पड़ोस की बुढ़ी लोग आएंगी मैं सेवा करूँगा। जी जी, तो यहाँ पर ये देखिए आप, जो बूढ़ी माई है पड़ोस से आती है, यहीं पर रहती है। इनका घर पक्का बना हुआ है, लेकिन इनको कच्चे में रहना पसंद है, इसीलिए यहाँ पर माता जी के पास आती हैं और यहीं पर रहती हैं। सेवा कर दी, पंखों लगा दी, साफ याद दी। वाह जी वाह, तो काफी खुश है माता जी इतने पुराने घर में रहकर। और खुशियाँ खुशियाँ, दुख अपने। गर्मी में जो ठंड रहती है, सर्दी में गर्म रहता है घर, और बारिश के सीजन में तो जैसे आपको परेशानी होती होगी थोड़ी। बारिश आवाज, कागज कुगज गिर लेते हैं छत पर, छत पर कागज डाल देते हो जैसे कच्ची छत? हाँ, कच्ची छत पर। और जैसे आपने जो लिपाई कर रखी है, ये भी सारी बह के चली जाती होगी ना? लिपाई तो बरसे वो करे ऊपर, बरसने के बाद फिर से करते हो आप? सूख जाए ना? अच्छा, सूख जाती है, 6 महीना बाद मोर लिप लिया, मोर लिप लोगे। ये बारिश घनी हुई है, सूखा पड़े नहीं। तो जैसे आपका इतना बड़ा घर है, जैसे 2 कमरे उधर है, 2 कमरे, 4 कमरे हैं आपके, आगे भी बैठक है और एक गायों के लिए कमरा, एक तूड़ी वाला,
तो 4 और 3 7 कमरे आपके और पूरा घर का आंगन है, तो कितने दिन में लीप देते हो आप इसको सारे को? 4-5 दिन में लीप देते हैं। 5 दिन में कितनी महिलाएं मिलकर लीप देते हो 5 दिन में? एक महिला तो 3 दिन 4 दिन में तैयार कर देती है, 2 महिला 2 दिन में कर देती है। अच्छा, पैड़ी लगा अगर आप अकेली करो तो लगभग 5 दिन में पूरे को कर देती है, सुबह से शाम तक लगोगी। कभी बीमार भी नहीं होते हो? बीमार भी वही कौन, मैं तो कौन ही हूँ बीमार। जो पुराना घर है हमारी संस्कृति की याद दिलाता है किस तरह से हमारे बुजुर्ग स्वस्थ रहते थे। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। हाँ। अपनी आय का बहुत ज्यादा पैसा लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में ही खर्च कर देते हैं। लोग देखना और... कच्चा मकान में रहते हैं, बीमारी कौन लागे भाई, मैं तो बैठा सही थे यहाँ जी जी। और ऐसे घरों को फोड़ फोड़ के तोड़ तोड़ के जो पुराने पक्के सीमेंट के घर बनाते जा रहे हैं, जिससे जो लोग बीमारियों की तरफ और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो माता जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे कभी। और आइए बेटा, और आइए देखना, आइए देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो घर का गेट यहाँ से इस तरह से जो दरवाजा है, और ये देखिए आप पुराना घर है और काफी अच्छा लगा।